अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो रास्ते में ये नज़र आ गया, मैं प्लान करके आई हूँ कि मैंने बनानी है आज वीडियो। आप लोग यकीन करें, इतनी बर्फीली हवा चल रही है ना, अभी थोड़ी सी रुकी हुई है, लेकिन इरादे मेरे देखने फिर कितने मजबूत हैं। मैं कह रही हूँ वो वाइट ग्रीनी टेक्सचर रिकॉर्ड करते हैं, ये पोर करते हैं ऊपर, साथ साथ व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ओल वाह, नीचे फेंका है, शॉपर ही फट गया। अल्लाह करे तो खामोशी हो, साथ साथ व्लॉग साथ साथ वीडियो। इजी इज अगेन बिजी, इजी इज अगेन बिजी। और मैं इतना साफ सुथरा, ये देखें कितना साफ सुथरा श्रग लेके आई हूँ, इसको यहीं पर रख देते हैं। सेफ तो ये यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ के नस्बत अच्छा। आज फिर वन प्लस में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसकी रियल स्क्रीन पर स्क्रैच आने के बाद भी, क्योंकि दूसरे वाले में चार्जिंग ही नहीं थी। ट्राईपॉड हमने न्यू ऑर्डर कर दिया, अब बस इंतज़ार है उसके डिलीवर होने का। सारे काम मका लेने इंशाल्लाह ताला। अब देखिए मैं आई, ये है हमारा, जब हम व्लॉग बनाते हैं ना, व्लॉग नहीं भी बनाते, हमने आना है, देखना है कौन सा टेक्सचर क्रम्बलर करना है, उसके पास सेटअप करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। ये हमारी नॉर्मल रूटीन है। और वो जगह आपको गीली लग रही होगी, आज नीचे मशीन लगाई हुई थी तो वो मेरा ख्याल है पानी लीक हुआ है टंकी का, और कुछ एक दो शेप जो है ना वो गीली भी हो गई हैं। छत की सफाई करवाने वाली हुई हुई है, पहले देख लेते हैं ये टेक्सचर ड्राई भी है या नहीं। ये देखिए नीचे से गीला है, लेकिन गारंटी तो किसी के भी ड्राई होने की नहीं है। वहाँ इस टाइम शोर ज़्यादा होगा, जैसे आप लोगों को सुन भी रहा है, तो यही रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऊपर ये थोड़ी सी पोरिंग शोरिंग कर लेंगे इसकी, इस वाइट टेक्सचर की। ये पता नहीं वाइट सीमेंट है कि चूना है, मेरा ख्याल है वाइट सीमेंट ही है। चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। या चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडा बर्फीला टेक्सचर, अंदर से ऐसे है जैसे बेचारे को एक धूप भी नहीं लगी, कल बना के गए थे राज पड़े, लेकिन अब हमने वीडियो बना लेनी। कितने दिन ना बनाए आखिर। नेक्स्ट ये ब्लॉग में ऐड करूंगी, उसके बाद ब्लॉग बाद में कंटिन्यू होगा, और इंशाल्लाह मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना लूंगी। चले जी बाहर आ गया है एक जहाज, सॉरी ट्रॉली। हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह फिर व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। ये दोनों शेप्स मेरी तमाम व्लॉग व्यूवर्स के नाम। अच्छा, मुझे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई थी कि आप हमारी रिक्वेस्ट पूरी नहीं करती हैं, आपको कब से कह रहे हैं, मुझे अब नाम नहीं याद, आई होप सो अगर वो ये व्लॉग देख रही हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिन्होंने कहा था कि आप हमारी रिक्वेस्ट पूरी नहीं करती कि हमें पूरी ड्राई फ्लोर क्रम्बलिंग चाहिए। सो ये वीडियो मैं उनको डेडिकेट करती हूँ, नीचे जाके चेक करूँगी कि वो मुझे कमेंट मिलता है कि नहीं। लेकिन दिस वीडियो उन सब्सक्राइबर्स के लिए, पहले मेरा था प्लान कि ये भर के लाऊं पानी का और कुछ क्रम्बलिंग उसमें करूं, लेकिन फिर मुझे वो रिक्वेस्ट याद आ गई, उनका गिला याद आ गया। सो अब ट्राई करूंगी कि ये पूरी जो वीडियो है ना वो मैं वाटर में रिकॉर्ड करूं, हत्ता कि ड्राई क्रम्बलिंग का मज़ा तब आता है जब वो फुली ड्राई हो और थोड़ी डस्टी भी हो, और ये टेक्सचर आप लोगों के सामने है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ।
ऐसे मैं टुकड़ों में व्लॉग्स और वीडियो बना रही हूँ, नीचे जाके जब एडिट करूँगी तब स्वाद आएगा। हम ऐसा करते हैं, इनको यहाँ लाने से अच्छा इसी को यहाँ ले जाते हैं। बड़ी अकल से वहाँ लाएंगे ताकि वीडियो में ये पार्ट भी ऐड हो जाए, यही ना लगे मम्मी ने वीडियो पीछे से लगा। या हिम्मत मर्दा मर्द दे खुदा, आई होप से मैंने सही प्रोनाउंस किया, कि अगर आप हिम्मत करें ना तो आप कोई भी काम किसी भी वक्त किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ड्राई क्रमिंग रिकॉर्ड कर ली है, इतनी मुझे खुशी हो रही है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खामोशी थी बाहर। मैं सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी और ट्राई करूंगी कि एक आधी वीडियो या दोनों ही वीडियोस रिकॉर्ड कर लूं, लेकिन आई कैन नॉट बिलीव दिस कि मैं ये कर चुकी हूँ। अभी सिर्फ एक ही वीडियो रिकॉर्ड हुई और इतनी खुशी हो रही है कि ना एक न्यू वीडियो रिकॉर्ड हो गई है और व्लॉग तो फिर साथ साथ हो ही रहा है। पूरी वाइट ग्रेनी टेक्सचर की वीडियो बन चुकी है, सारा मैंने ना ये तबाही फेर दी है इसकी। 200 का पैकेट था ये इतना सीमेंट का जो एक ही वीडियो में लग गया। ठीक है, पूरी ड्राई क्रमनिंग हो गई। अब कल फिजान को कहूँगी आ जाओ, तुम्हारी जो है ना जॉब पे वापसी का टाइम शुरू हो गया है। वो भी वैसे ना अब घबराएगा इतनी सर्दी में टेक्सचर बनाने से, क्योंकि उसने भी इतनी सर्दी में फर्स्ट टाइम ही ये काम करना है, लेकिन बच्चा है उसको आदत है काम करने की। अगर इतनी ठंड में तपड़ियाँ लग सकती हैं या वो कपड़े धुलवा सकता है, तो मेरे ख्याल से दिस इज़ नॉट अ बिग टास्क, क्योंकि बहुत मेहनती बच्चा है बहुत। हम जैसे लोग होते हैं सोल वो आउच में ये नहीं कर सकती, आउच इतनी सर्दी में कपड़े नहीं धुल सकती, बर्तन नहीं धो सकती, जिन्होंने मेहनत करके खाना है ना उन्होंने सब कुछ ही कर लेना। ठीक है, सो ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। अब यहाँ बैठ के आप लोगों के साथ सोचते हैं कि मैं कौन सी और वीडियो बनाऊँ। कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये तो है ही ना, ये तो देखने से ही वेट लग रही है। ये तो चलो वेट थी ना, देखने से नहीं लग रही थी, ये देखने से ही वेट लग रही है। वो भी उस दिन मैंने रिकॉर्ड की थी व्लॉग में, उस दिन क्या कल ली, तो ये भी वेटी थी। अब ये तो इसके साथ वाला टेक्सचर है, तो ये रिकॉर्ड करना तो फजूल है। ये वैसे ही मैंने व्लॉग के लिए रखा हुआ था, वो मुझे थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन ट्राई करते हैं कि उसके बिना ड्राई क्रमनिंग और वाटर क्रमनिंग रिकॉर्ड कर ही लें ऊपर ये। पर अगर हमने उसके ऊपर ये वाइट सीमेंट डाल दिया ना, वो पहले ही इतना सख्त है, उसने नहीं फिर बचना, क्या करूँ यार। और उधर वाली साइड पर जाने का दिल नहीं कर रहा इस टाइम, क्योंकि ना शोर ज़्यादा होता है, लेकिन क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रही। चले मैं डिसाइड कर लूँ, उसके बाद व्लॉग भी कंटिन्यू करते हैं और वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं। सो मैंने चलते चलते डिसाइड कर लिया है कि ये मिनी पीनी थोड़ा सा टेक्सचर है, यही रिकॉर्ड कर लेते हैं, या फिर वो हैंडमेड ग्रिटी टेक्सचर। मैं तो कहती हूँ हैंडमेड ही कर लेते हैं, हाँ हैंडमेड वाला सही है, इसकी फिर शॉर्ट वीडियो ही ना बने। और ये देखें धूप से टप का हाल, कि उसकी भी फुल ड्राई क्रमनिंग कर ले। चलें फुल ड्राई कर लेते हैं, कुछ थोड़ी स्टील पॉट में कर लेंगे, पानी भर के लाना आना भी ना आसान नहीं है। यहाँ हमें शोर का इशू फेस करना पड़ सकता है, लेकिन कोई इशू नहीं। ये देखें ये सारी क्रमनिंग ना व्लॉग में हुई है। अब ये भी आप लोगों के साथ ही चेक करते हैं। अब चुंगी फंस गई कि ये अंदर से वेट है कि नहीं। ट्राई माई बेस्ट कि ये वेट ना हो। दोबारा से ट्राईपॉड लगाएंगे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस ठीक ही है ना, बहुत मतलब अगर देखा जाए ना ये कितने दिन पड़ा रहा है, ठीक है उस हिसाब से टेक्सचर 0% ड्राई है। आपने अंदर से देखा कोई स्मोकीनेस कोई डस्टीनेस नहीं है, अंदर से गीला ही है, शायद पलटा नहीं है, लेकिन पलट के भी क्या होगा, धूप तो निकलती नहीं है। लेकिन 10-12 दिन एक टाइम होता है किसी टेक्सचर को धूप पड़े रहने का, तो कपड़े क्या सूखने हैं, अल्लाह माफ़ करे। अब कल फिजान को कहूँगी कि तुम ना भाई कल का कल ही टेक्सचर बना दो, ये तो फटाफट बना के ड्राई नहीं हो रहे, तो ये बाद में क्या ड्राई होने हैं। और शोर शुरू, वही मसला जो यहाँ पर आकर हमेशा होता है। सो एक शेप और क्रम्बल करते हैं व्लॉग में, उसके बाद पूरी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। ये जो दोनों वीडियोस हैं ना आज की, जो इंशाल्लाह ताला इस व्लॉग के बाद अपलोड होंगी ना, वो तमाम ड्राई फ्लोर क्लम्बरिंग लवर्स के नाम है।
कुछ और है यहाँ पे। चले मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ विद हैप्पी फेस हैप्पी मूड, क्योंकि दो नई वीडियोस बन जाए व्लॉग बन जाए इससे बड़ी खुशी एक ASMR आर्टिस्ट के लिए क्या ही हो सकती है। ओके जी, मिलते हैं इसके बाद। फाइनली हमारी सेकंड वीडियो भी रिकॉर्ड हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अपनी मॉम के शूज़ का अशर देख लें क्या कर लिया। अब इनको गीले कपड़े से साफ़ करके नीचे जाना पड़ेगा, वरना मेरी खूब इज्जत अफजाई होगी कि मेरी घर पहनने वाली बंद जूती तुमने सारी मट्टी और मट्टी कर दी है। खैर, इतनी खुशी महसूस हो रही है ना कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। आई होप सो इससे ज़्यादा खुशी आप लोगों को होगी ट्राईपोड से मोबाइल उतार लूँ। अगर आज एक दफ़ा भी ट्राईपोड से नहीं गिरा तो बेहतर है कि इज्जत से उतार लूँ। इससे ज़्यादा खुशी आप लोगों को होगी जब आप लोगों को पता चलेगा कि आज मिनी की टू ड्राई फ्लोर क्रम्बलिंग रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होने वाली है। ठीक है, ये देखें, ये पूरी छत जब उसने साफ़ की थी ना तो इस टेक्सचर की लगाई थी ढेरी, और ये इतना क्रीमी टेक्सचर होगा ना जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन इंशाल्लाह इस पर भी काम करेंगे, पहले ये जो जिन पर काम कर रहे हैं वो तो ड्राई फेस में चले जाएं। इस तरह के खुले काम होते हैं खुले दिनों धूप के दिनों, आए हाय हाय वो दिन होते हैं ASMR आर्टिस्ट के। ये वाले जो दिन होते हैं ना, ये बस ये 3 महीने होते तो मुश्किल है, होते मुश्किल है ये। एक तो दिसंबर, जनवरी और फेब, मार्च में चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा दिसंबर में भी चीज़ें नॉर्मल ही रही हैं, अच्छी खासी धूप निकलती रही है। अब आके ना 1 वीक हो गया, थोड़ी ज़्यादा सर्दी पड़ी है। खैर है, जैसे गर्मी अपनी शिद्दत दिखाती है सर्दी ने भी अपनी शिद्दत दिखा के ही जाना है। लेकिन ट्रस्ट में गाइज, जब हम बैठे होते हैं ना रज़ाई में, हमें लग रहा होता है बाहर जाएंगे ना तो पता नहीं ठंड से जम ही जाएंगे और हमारे हाथ पांव नहीं हिलेंगे। हाय अल्लाह, जो लोग बाहर फिर रहे हैं वो किस तरह फिर रहे हैं, इतनी ठंड है भाई, मैं तो। लेकिन जब आप काम करने के लिए बाहर आ जाते हैं ना और काम कर रहे होते हैं, आपको कोई सर्दी वर्दी नहीं लगती, आपके लिए टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। जैसे अभी मेरे लिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो देखें हवा चल रही है, ठंडी हवा, ठीक है, और काफ़ी सर्दी है, लेकिन काम करते रहो महसूस ही नहीं होती। सो मैं, मेरे मुताबिक अगर हम अपने आप को जितना सोल बनाएंगे ना उतने ही सोल बनते जाएंगे कि भाई नहीं 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 नहीं, हिम्मत करें और खुदा फिर मदद कर ही देता है। जैसे अभी मेरी की है, और लो जी गंदा हाथ मैंने यहाँ पर रख लिया। खैर, हम साफ़ सुथरी होकर नीचे जाएंगे। अब मेरी वो पड़ी है शॉल, उसको लपेटू सपेटूँगी और मम्मा के सामने ऐसे ट्रीट करूँगी। मैं तो यहीं कहीं वॉक कर रही थी, मैं तो छत पे गई ही नहीं, और अंदर खाते मैंने 2 वीडियोस बना लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज 3 वीडियोस न्यू ही अपलोड होंगी। चलें जी, इस व्लॉग के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, मज़दूर के हाथ हैं काठिया मज़दूर के। अगर ज़िंदगी ने वफा की और आप लोगों ने वफा की तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपनी मिनी को दीजिए इजाज़त। और हाँ, कल बहुत से कमेंट्स थे हैप्पी न्यू ईयर के, सो मैं व्लॉग न्यू ईयर के बाद में ही बनाया था मैंने, लेकिन मैं आप लोगों को विश करना भूल गई, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई सब्सक्राइबर दुनिया के किसी भी कोने से हैं। ये साल तमाम लोगों के लिए खुशनसीबी का साल हो, खैरियो आफियत का साल हो, और बस बहुत सी दुआएँ आप सब लोगों के लिए। प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।